आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जिरोधा ऐप से आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। सो अगर आप भी अपने जिरोधा ऐप से आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जिरोधा काइड ऐप को ओपन कर लेना है। आपको पता होगा कि जिरोधा का काइड एप्लीकेशन होता है, तो इसी को आपको ओपन कर लेना है और इसमें आप अपने डीमैट अकाउंट से लॉगिन कर जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि बिड वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपको आईपीओ का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आईपीओ के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं उतने आईपीओ में आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑनगोइंग को सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर जितने भी आईपीओ में मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एक है प्रेनिक और एक है हिंदवाई, तो अगर मैं इन दोनों में अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वो आईपीओ दिखेंगे जो कि अभी अभी क्लोज हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक आईपीओ है जो कि अभी क्लोज हुआ था 1 अक्टूबर को। और उसके बाद जब आप यहाँ पर व्यू अपकमिंग आईपीओस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर वो आईपीओ आ जाएंगे जो कि अभी अभी आने वाले हैं, मतलब कुछ दिनों में आईपीओ अप्लाई करने को यहाँ पर आपको इनमें भी मिल जाएगा। और उसके बाद जिन भी आईपीओ में आप अप्लाई करोगे तो वो आईपीओ आपको यहाँ पर अप्लाइड के सेक्शन में देख जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीओ दो प्रकार के होते हैं, एक एसएमई आईपीओ और एक मेन बोर्ड आईपीओ। ये एक एसएमई आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। एसएमई वाले में एसएमई लिखा हुआ होता है। तो एसएमई जो आईपीओ होते हैं वो छोटी कंपनियों के आईपीओ होते हैं और इनमें अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाना होगा, मतलब एसएमई आईपीओ वाले कंपनी में आपको 1 लाख से ज़्यादा रुपए लगाना पड़ता है। लेकिन जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं ये काफ़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं और इसमें आप छोटा भी अमाउंट लगा सकते हैं, मतलब आप इसमें कम से कम 14,000 रुपये लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 लाख रुपये लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं और इसी प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। अब जैसे मैं हिंदवई मोटर इंडिया लिमिटेड आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं या एम्प्लॉय हैं। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तब आप एम्प्लॉय से अप्लाई करेंगे, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं आप इसमें काम नहीं करते हैं तब आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर टैप करना है और उसके बाद यहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें प्री अप्लाई लिखा हुआ है, मतलब अभी ये ओपन नहीं हुआ है आईपीओ, लेकिन उसके पहले भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये आईपीओ ओपन था तो इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, आप पहले भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, 1% का भी डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसकी मिनिमम क्वांटिटी देखने को मिल जाएंगी, मतलब जब आप अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम यहाँ पर कितनी क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस रेंज देखने को मिल जाता है, जैसे आप इसे 1865 से 1960 के बीच के प्राइस रेंज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी डेट देखने को मिल जाएगी, जैसे कब से कब तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टर टाइप, इशू साइज, मतलब कितने करोड़ रुपए ये मार्केट से ले रहा है वो आपको यहीं पर दिख जाएगा। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। ज़्यादातर डिस्काउंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जो मतलब इस कंपनी में काम करते हैं उन्हीं को डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स और सब्सक्रिप्शन डेटा देखने को मिल जाता है। अगर आप इस कंपनी के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तब आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने इस कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन डेटा पर क्लिक करके आप इसका सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है। यहाँ पर आपको इसकी स्टेटस देखने को मिल जाता है, जैसे 15 से स्टार्ट होगा, 17 को एंड होगा, 18 को अलॉटमेंट मिलेगा, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 21 को आपको पैसे वापस आ जाएंगे और अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके शेयर 21 को ही आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेंगे और 22 को ये लिस्ट हो जाएगा और फिर आप प्रॉफिट या लॉस बुक करके इससे निकल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी UPI ID डालनी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिस बैंक को आपने अपने इसे डीमैट अकाउंट में लिंक किया हुआ है आपको उसी की UPI ID डालनी होगी।
यहाँ पर आप उसकी UPI ID डालेंगे और एट द रेट के बाद की सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एट द रेट की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। आपकी UPI ID में एट द रेट के बाद जो भी आता है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपनी UPI ID डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी डालेंगे, जैसे आप कितने शेयर्स इसके लेना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे इसका लॉट साइज 7 था तो मुझे यहाँ पर कम से कम 7 लॉट तो डालने ही होंगे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर कितना अमाउंट देना होगा, मतलब यहाँ पर ये शेयर्स होते हैं, एक लॉट में यहाँ पर 7 शेयर्स हैं, तो मुझे 7 शेयर्स बाई करने के लिए कितना यहाँ पर प्राइस देना होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे और आपको यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा कि कितना आपको पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्राइस भी देखने को मिल जाता है। अगर आप कट ऑफ प्राइस को सेलेक्ट करते हैं तब इसमें आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप इस रेंज के बीच में किसी दूसरे प्राइस पर बाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं इसे 1900 में बाई करूँगा तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसे कट ऑफ प्राइस पर ही लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर अपनी UPI ID भी डाल देंगे। अगर आप सही UPI ID डालेंगे तो आपकी UPI ID यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैंने सक्सेसफुली एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है। इसके बाद आपके UPI ऐप में जो यहाँ पर जितने के लिए आपने अप्लाई किया है जितने पैसों से, उतने पैसों को आपको UPI मैंडेट में सेट करना होगा, मतलब ऑटो पे पर सेट करना होगा। तो आपके UPI ऐप में एक नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से आप इसको मैंडेट कर देंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने फ़ोनपे की UPI ID डाली थी तो आपके फ़ोनपे में ही नोटिफिकेशन आएगा, या तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा या फिर आप इस पर जाकर यहाँ पर आप अपना नोटिफिकेशन देख पाएंगे और फिर आपको उस पर टैप करना होगा और फिर आपको वहां से अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देना होगा। आप अपनी उसी बैंक से अपना UPI पिन डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे और जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे तो जितने अमाउंट का आपने यहां पर IPO अप्लाई किया होगा उतना अमाउंट आपके बैंक में ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मैंने इस कंपनी में IPO अप्लाई किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना अमाउंट अभी मेरे अकाउंट में ब्लॉक है। और उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो ये अमाउंट यहाँ से, मतलब आपकी बैंक से कट के वहाँ पर जमा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ये जो अमाउंट ब्लॉक हुआ है ये अनब्लॉक हो जाएगा और फिर से आपकी बैंक के बैलेंस में दिखाई देने लगेगा। और इसको आप माई ऑटो पे के सेक्शन में आकर देख भी सकते हैं, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि अलॉटेड हुआ है या नहीं हुआ है। अभी ये पेंडिंग में है, यहाँ पर कल इसमें अलॉटमेंट मिलेगा तो कल मुझे पता चल जाएगा कि इसमें मुझे अलॉटमेंट मिला है या नहीं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर IPO ओपन होता है तो ये पेमेंट करने की रिक्वेस्ट आपको तुरंत आ जाती है, लेकिन अगर IPO ओपन नहीं होता है तो पेमेंट करने की रिक्वेस्ट आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाती है। जैसे अभी ये IPO ओपन नहीं था तो इसीलिए उसकी रिक्वेस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन 14 घंटे के बाद आ जाएगी और फिर मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा और मेरा IPO सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद जो ये यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन देख रहा है ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जिरोधा ऐप से IPO में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।